हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आईटेल मोबाइल में रिंगटोन कैसे बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप अपने आईटेल मोबाइल का सेटिंग्स को ओपन करिए और उसके बाद आप यहाँ नीचे में साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन रिंगटोन सिम वन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर फ़ोन रिंगटोन सिम टू का ऑप्शन मिल जाता है। तो किस सिम का आपको रिंगटोन बदलना है, जैसे मान लीजिए मुझे सिम वन का रिंगटोन बदलना है तो मैं यहाँ फ़ोन रिंगटोन सिम वन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अगर जो आपको सिम टू का रिंगटोन बदलना है तो आप फ़ोन रिंगटोन सिम टू के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो मुझे तो सिम वन का बदलना है इसलिए मैं यहाँ फ़ोन रिंगटोन सिम वन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं पहले से ये वाला रिंगटोन सेट है। बदलने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारा रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अगर जो आपको वो वाला सेट करना है तो आप सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करके सुनता हूँ कि ये सेट करने पर कैसा सुनाई देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं इसको हम सेट करेंगे तो इस तरह का रिंगटोन बजेगा। इस पर मैं क्लिक करके सुनता हूँ तो देख सकते हैं इसको सेट करेंगे तो इस तरह का बजेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको सेट करेंगे तो इस तरह का बजेगा। या अगर जो आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर वाला गाना को रिंगटोन में सेट करना है तो नीचे में यहाँ पर ऐड रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप माई फाइल वाला मतलब फाइल मैनेजर वाला रिंगटोन को भी सेट कर सकते हैं। तो आपको जो भी रिंगटोन सेट करना है आप उस पर क्लिक करके उसको पहले सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला सेट करना है तो मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर जो अच्छा लगे उसको सेट करना है तो नीचे में आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये वाला सेट करना है, इस पर क्लिक किया और नीचे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं अब मेरे सिम वन में ये वाला रिंगटोन सेट हो चुका है। अब किसी का भी कॉल आएगा तो ये वाला रिंगटोन बजेगा। तो इसी तरीके से आप आईटेल मोबाइल में रिंगटोन बदल सकते हैं।